बबेरू तहसील परिसर में शनिवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता पर संपन्न किया गया, जिसमें तहसील क्षेत्र के ग्रामीण किसान अन्ना पशुओं, विद्युत समस्या, खाद्य सामग्री की समस्या, पानी की समस्या एवं पुलिस से संबंधित शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 124 प्रार्थना पत्र में 14 प्रार्थना पत्र का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं से संबंधित प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को सौंप कर जांच का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। मामला बादत जनपद के बबेरू तहसील परिसर का है, जहां शनिवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन उप जिलाधिकारी राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता पर संपन्न किया गया, जिसमें बबेरू तहसील क्षेत्र के 124 लोगों के प्रार्थना पत्र संपूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त हुए। ज्यादातर प्रार्थना पत्र किसानों की समस्या, खाद की समस्या, अन्य पशुओं की समस्या एवं विद्युत समस्या, खराब सड़क और खाद्यान्न से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 14 प्रार्थना पत्र का मौके पर निस्तारण किया गया। इस मौके पर बबेरू नायब तहसीलदार अभिनव तिवारी, खंड विकास अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार द्विवेदी, पशु चिकित्सा अधिकारी लाखन सिंह, बबेरू सीएससी अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश सिंह एवं खाद्य एवं रसद विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग सहित सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मामले आए हैं, मौके पर 14 मामलों का निस्तारण हो गया, बाकी के लिए निर्देशित किया गया है समय के अंतर्गत सारे मामलों का निस्तारण किया जाए। किससे किन समस्याएं लगातार बिजली से संबंधित है, सप्लाई से संबंधित है, राजस्व के मामले रहते हैं, निजी भूमि के मामले हैं, पुलिस से संबंधित, सभी विभागों से संबंधित मामले हैं। किसान यूनियन की तरफ से कितने मामले थे, किस तरह की समस्याओं? किसान यूनियन की तरफ से अन्न प्रथा को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर और खाद की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उस पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आगे कार्रवाई होगी। अन्न प्रथा की एक बड़ी समस्या, प्रधान कह रहे हैं कि प्रशासन पैसा नहीं दे रहा है। पेमेंट हो रहा है सरकार की तरफ से, जैसे बजट आता है प्रधानों को पेमेंट कर दिया जाता है और अन्न प्रथा के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में चल भी रहा, अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर इस समय सारे कार्यों का संरक्षण करा दिया जाएगा।